बेटे की बाइक चोरी हो गई तो फिर आगे पढ़ो। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक राइडर को जरूरत होती है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी बाइक में डिस्क ब्रेक होता है। सो इस बार का प्रोडक्ट आपकी बाइक की सिक्योरिटी के लिए है, जो कि है डिस्क ब्रेक लॉक, जो कि एक बजर के साथ आता है। अक्सर आपको सुनने में आता होगा कोई मार्केट गया, वहाँ पे उसने अपनी बाइक खड़ी करी हो, वहाँ से चोरी हो गई हो। सो ये जो प्रोडक्ट है उन्हीं लोग के लिए है जो कि बाइक बाहर खड़ी करके अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं कि उनकी बाइक वहाँ से चोरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स हैं जो बज़र सिस्टम है इसका, वो तुरंत अलार्म एक्टिवेट कर देता है। इसमें एक मोशन सेंसर है जो कि आप छूते ही उसका बज़र जो होगा वो चालू हो जाएगा। अक्सर आपको न्यूज़ सुनने में आती होगी कि सामने वाले शर्मा जी के बेटे की बाइक चोरी हो गई, या पड़ोस की वर्मा जी की बाइक चोरी हो गई। उनकी बाइक ना चोरी हुई होती अगर वो ने ये सिस्टम लगाया होता तो। ऐसे ही मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ अपने फ्रेंड निशीत का, जिसकी बाइक घर के सामने से उसकी चोरी हो गई थी। वो बाइक घर के बाहर खड़े करके थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया था। वो बाहर निकल के आया तो उसको मालूम पड़ा कि उसकी बाइक चोरी हो चुकी थी। उसके साथ ऐसा ना हुआ होता अगर उसने ये सिस्टम लगाया होता तो। सो आइए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और फिर मैं आपको इसकी आगे की डिटेलिंग बताता हूँ कि ये कैसा है। सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है अमेज़ॉन से 999 रुपीस का। अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। सो ये है डिस्क लॉक विथ अलार्म, जिसका कोड नंबर है LK603। तो ये है एक डिस्क लॉक जिसके साथ मुझे मिला है कुछ दो कीज़ इसकी, और ये मिला है मुझे एलन की। एलन की का क्या काम है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं इसमें स्पंज निकाल लूँ। सो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट दिखता है। सो अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो कोई भी अगर चुराने आएगा तो उसको काट भी नहीं सकता है। सो ये है इसकी कीज़, जो आपने इसको पहले देखा नहीं होगा कि ये कुछ डिफरेंट टाइप की कीज़ हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगती कैसे है। आपको यहाँ पे इसमें ग्रूविंग दिख रही होगी और इसको यहाँ पे निकला हुआ है। इसको आप ग्रूविंग को ऐसे बैठा के इसको आपको ऐसे करके घुमा देना है। सो ये हो जाता है लॉक। अब अगर आपको बिना की के डायरेक्ट लॉक करना है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे करके लॉक कर सकते हैं। अभी आपने जो वॉइस सुनी है वो लॉक होने की वॉइस है। अब इसके अलावा अगर आप इससे छेड़तानी करते हैं अगर कुछ भी, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपने तीन साउंड सुनी होंगी, ये दिखा रहा है आपको वार्निंग साउंड। अब अगर इसको कोई भी छेड़तानी करता है तो फिर आपको ये देखना पड़ता है। सो अभी आपने देखा है इसकी साउंड। सो अगर मैं इसकी साउंड की बात करूँ तो 110 dB की साउंड है। सो कोई भी अगर आपकी बाइक को चुराने आता है तो ये पूरे मोहल्ले को जगा देगा। सो लॉक का मैकेनिज्म तो आपने समझ ही लिया है। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये एलन की है जो इसका यूज़ क्या है। सो आप देख सकते हैं इसमें चार स्क्रू दे रखे हैं, दो इधर दे रखे हैं, दो इधर दे रखे हैं। सो ये जो आपको एलन की है ये इसके थ्रू आप इसको खोल सकते हैं। फिर मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ खोल के इसके अंदर आपको मिलता क्या है। Thank you.
इसके चार स्क्रू जो मैंने अभी ओपन किए हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर का मैकेनिज़्म होता कैसे है। सो अगर आप इसको ऐसे ओपन करेंगे सो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल कहाँ पे पड़ते हैं इसके। अब ये आपको कैप दिख रही है, कैप को आपको ऐसे पुल अप करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ छः सेल जो कि आप घड़ी में यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें छः सेल लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि आपका साउंड अलार्म का काम करेगा। सो मैं इसको वापस लगा देता हूँ और ये कुछ इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। और ये रहा आपका लॉक, और लॉक मैं आपको दिखाऊं तो ये आप लॉक की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, जो कि मेरे ख्याल से आपको लग रहा है, मेरे को जो लग रहा है वो है 14 गेज। सो मैं आपको फिर मैं इसको लॉक करके आपको दिखाता हूँ। यह है लॉक, फिर मैं आपको डिस्क ब्रेक पे लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सो सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए चाबी मेरे हाथ में है, लॉक मेरे हाथ में है, या आपको यहाँ पे होल दिख रहे हैं और इसमें आपको पिन दिख रही है, ये होल पे आपको ऐसे अटैच करके, अब देखा आपने कि ये लॉक हो गया है। अब मैं इसको छूँगा तो ये वार्निंग पहले साउंड देगा, उसके बाद फिर इसका सायरन बजेगा। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, अगर मैं हल्का सा भी इसको छूता हूँ, अगर मैं इसका हैंडल भी छूता हूँ, मैंने हैंडल पर आपको छू के दिखाता हूँ मैं, अगर आप देख सकते हैं इसने अभी वार्निंग साउंड दिया है। के बाद में दोबारा अगर फिर से मैं कुछ हैंडल हिलाता हूँ तो फिर इसका अलार्म बजने लगेगा। ये देखिए इसका अलार्म आप सुन सकते हैं, कितना लाउड है। अब मैं इसको लॉक करता हूँ दोबारा फिर से, ये देखिए इसका सायरन बंद हो गया। सो यही है लॉक, आपको पसंद आए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। सो गाइज मैंने आपको इसका मैकेनिज्म समझा दिया है और बाइक पे भी लगा के दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। का प्रोडक्ट बाइक की सिक्योरिटी के लिए है, जो कि है डिस्क लॉक ब्रेक सिस्टम। डिस्क लॉक ब्रेक सिस्टम, डिस्क ब्रेक लॉक है।